इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम आधे किलो पत्ता गोभी को कट कर लेते हैं। इसे कट करके तैयार करना है। मैंने पत्ता गोभी को एकदम बारीक बारीक स्लाइस करके तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे डालते हैं पानी में। अब हम 3 मीडियम साइज के आलू को छील कर कट कर लेंगे। आलू को छीलने के बाद अब हम इसे भी मोटे मोटे टुकड़ों में कट करेंगे। कट करके डाल देंगे, जिस पतीले में मैंने गोभी डाला है इसी में हम कट करके डाल देंगे। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से धो लेंगे। धो के डाल देंगे प्रेशर कुकर के अंदर। मैंने आलू और गोभी को कट करने से पहले भी अच्छे से धो के साफ कर लिया हुआ था। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून के जितना ही हम नमक डालेंगे। इसके अंदर 1/2 गिलास पानी डाल देंगे। गैस चूल्हा को ऑन करेंगे और इसके ऊपर हम आलू और पत्ता गोभी को डाल देंगे। 3 से 4 मिनट तक खुले में ही कुक करने के बाद जब सब्जी के अंदर एक अच्छी सी उबाल आ जाए तब हम इसे एक बार अच्छे से चला देंगे। सब्जी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसके ढक्कन को बंद कर देंगे और 2 सीटी आने तक कुक करेंगे हाई फ्लेम के ऊपर। जब तक प्रेशर कुकर में 2 सीटी लग रहा है तब तक हम आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम लेंगे गेहूँ का आटा, ज़रूरत के हिसाब से लेंगे। इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक, अजवाइन ज़रूरत के हिसाब से। इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद नॉर्मल पानी की सहायता से इसका सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। जिस तरह से रोटी के लिए लगाते हैं सेम तरीके से लगाकर तैयार करना है। मैंने यहाँ सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लिया है, तो चलिए इसे ढक देते हैं। ढक के इसे बेस्ट करने देते हैं। प्रेशर कुकर में हाई फ्लेम के ऊपर 2 सीटी लग गया है, तो चलिए हम इसे चूल्हा से उतार के साइड में रख लेते हैं और चूल्हा के ऊपर चढ़ा देंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई जब हल्का गर्म हो जाए तब डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून जीरा, 20 से 25 काली मिर्च। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर 2 मिनट भूनने के बाद जब इससे एक अच्छी सी खुशबू आने शुरू हो जाए तब हम इसे निकालकर प्लेट में डाल देंगे। अब हम कढ़ाई में डालेंगे ज़रूरत के हिसाब से पानी। पानी जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम 1.5 किलो टमाटर को बीच से कट कर लेते हैं। फ्रेश और पके हुए टमाटर होने चाहिए। मैंने सारे टमाटर को बीच से 2-2 टुकड़ों में कट कर लिया है। पानी भी अच्छे से गर्म हो गया है, तो चलिए हम इसे डाल देते हैं पानी के अंदर। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। टमाटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ढक देंगे। ढक के इसे कुक करेंगे। यहाँ प्रेशर कुकर का सीटी अच्छे से रिलीज कर गया हुआ है, तो चलिए अब हम इसे निकाल कर डाल देते हैं छन्नी के अंदर, ताकि सब्जी के अंदर जो भी पानी हो वो साइड हो जाए। यहाँ जीरा और काली मिर्च भी अच्छे से ठंडा हो गया है, तो चलिए हम इसे भी पीस कर तैयार कर लेते हैं। मैंने इसे भी अच्छे से पीस कर तैयार कर लिया है। यहाँ टमाटर को हाई फ्लेम के ऊपर पकते हुए 5 मिनट हो गया है, आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरीके से कुक हो गया हुआ है। तो चलिए अब हम इसे चूल्हा से नीचे उतार देते हैं और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। टमाटर अच्छे से ठंडा हो गया है, तो चलिए अब हम इसके स्किन को हटा देते हैं। मैंने सारे टमाटर के अंदर के जो छिलका था उसको हटाकर साइड कर दिया है, तो चलिए अब हम इस टमाटर को डालते हैं एक बड़े से मिक्सी के जार के अंदर। हम पानी के साथ में ही डालेंगे। अब हम इस जार के अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लावर। इसे ज़्यादा हमें कॉर्नफ्लावर नहीं डालना है। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से पीस कर तैयार कर लेंगे। मैंने इसे अच्छे से पीस कर तैयार कर लिया है, तो चलिए अब हम इसे छन्नी में डालकर छान लेते हैं, ताकि इसके अंदर जो भी गुठली हो वो निकल जाए और बहुत ही बढ़िया स्मूथ सॉस बनकर तैयार हो जाए।
मैंने इसे अच्छे से छानकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम दोबारा से गैस चूल्हा को ऑन करेंगे और इसके ऊपर डालेंगे कढ़ाई। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। तेल जब हल्का सा गर्म हो जाए तब हम डालेंगे 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। साथ में डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। टमाटर के पेस्ट को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे जो मैंने जीरा और मरीच को हल्का ड्राई रोस्ट करके पीस कर तैयार किया था, उस मसाले को डाल देंगे। 1 टी स्पून काला नमक डालेंगे, 1 टी स्पून सौंठ पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर, स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे। टमाटर को उबालते समय भी नमक का इस्तेमाल किया हुआ था, उसी हिसाब से नमक डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 250 ग्राम मिश्री। आप इसकी जगह चीनी या गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिश्री डालने के बाद मैंने इसे चलाते हुए 7 से 8 मिनट तक कुक कर लिया है। आप देख सकते हैं ये किस तरीके से गाढ़ा हो गया है। तो चलिए अब हम इसी स्टेज पे डालेंगे 2 ढक्कन विनीगर, वाइट विनीगर है। मैंने वाइट विनीगर का इस्तेमाल किया है। तो चलिए अब हम इसे 1 मिनट के लिए और कुक करेंगे। हाई फ्लेम के ऊपर 1 मिनट और कुक करने के बाद अब यह बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम इसे चूल्हा से नीचे उतार देते हैं। चूल्हा से नीचे उतारने के बाद जब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए तब हम इसे डालेंगे कांच के जार के अंदर। आप इससे सॉस की कंसिस्टेंसी को देख सकते हैं, ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी किस तरीके की हो गई है। जितना बढ़िया ये देखने में लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में हेल्दी और टेस्टी है। बाजार के सॉस से लाख गुना बढ़िया है। इसमें किसी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव सामान नहीं रखा हुआ है। बहुत ही हेल्दी, शुद्ध और सात्विक बनकर तैयार हुआ है। मैंने इसके अंदर लहसुन प्याज का भी इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहे तो इसमें प्याज का पाउडर और लहसुन का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर केवल सौंठ पाउडर, अदरक का पाउडर डालकर इसे बनाया है। चलिए अब हम इसे डालते हैं एक कांच के जार के अंदर। जार के अंदर डालने से पहले जार को अच्छे से धो के सुखा लेना है, तभी इसके अंदर डालना है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए। तो चलिए अब हम इसे डाल देते हैं। टोमेटो सॉस को जार में डालने के बाद अब ये स्टोर करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम दोबारा से गैस चूल्हा को ऑन करेंगे और इसके ऊपर डालेंगे कढ़ाई। कढ़ाई जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल। तेल जब मीडियम गर्म हो जाए तब हम डालेंगे 1 टेबल स्पून उड़द की दाल और 1 टी स्पून राई। साथ में डालेंगे कुछ करी लीफ। जब ये सभी चीज़ें लाइट गोल्डन ब्राउन भुन जाए, आप देख सकते हैं इसे बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, तब हम इसमें डालेंगे उबला हुआ गोभी और आलू। इसे मिक्स कर लेंगे। स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे। आलू गोभी को उबालते समय भी नमक का इस्तेमाल किया हुआ है, इसी हिसाब से नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद अब हम एक दल घोटनी लेंगे और इसे अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। जब तक आलू गोभी भून रहा है तब तक हम थोड़े से कोकोनट को पीस कर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। कोकोनट को मैंने पहले ही छील कर साफ कर लिया हुआ है। मैंने इसे बारीक पीस कर तैयार कर लिया है। यहाँ आलू और पत्ता गोभी को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गया है लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर। तो चलिए अब हम इसमें डालते हैं पिसा हुआ नारियल। साथ में डालेंगे 2 टेबल स्पून चना का सत्तू, रोस्टेड चना का पाउडर। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है। तो चलिए हम इसे निकाल कर डाल देते हैं प्लेट में और इसे ठंडा होने देते हैं। यहाँ स्टफिंग बहुत अच्छे से ठंडा हो गया हुआ है। तो चलिए अब हम पराठा बनाकर तैयार कर लेते हैं। चलिए अब हम सबसे पहले आटे का गोला तोड़कर तैयार कर लेंगे। आटे का गोला बनाकर तैयार करने के बाद हम इसे सूखे आटे से डस्ट करेंगे। इस तरीके से इसमें कैविटी बनाकर तैयार कर लेंगे। आटे का कैविटी बनाकर तैयार करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे स्टफिंग। स्टफिंग डालने के बाद इसे इस तरीके से क्लोज कर देंगे।
अब हम दोबारा से इसे सूखे आटे में डस्ट करेंगे। इसे अपने हाथों से ही हल्का सा इस तरीके से फैला लेंगे। फैलाने के बाद हम दोबारा आटा से डस्ट करेंगे, इसे प्लेटफॉर्म पर रखेंगे और अपने हाथों से हल्का और फैला लेंगे। फैलाने के बाद बेलन की सहायता से हल्के हाथों से इसे हल्का मोटा बेलकर तैयार कर लेना है। यहाँ तवा भी अच्छे से गर्म हो गया हुआ है। तवा को मैंने पहले ही थोड़े से सरसों के तेल के साथ में ग्रीस कर लिया है। तो चलिए अब हम पराठा को डालते हैं तवा के ऊपर, मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर। एक मिनट कुक करने के बाद हम इसे पलट देंगे। पलटने के बाद हम इसे बीच बीच में इस तरीके से घुमाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। जब ये दूसरे साइड पर भी अच्छे से कुक हो जाए तब हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। इसे अच्छे तरीके से फैला लेंगे। फैलाने के बाद हम इसे पलट देंगे। पलटने के बाद हम दूसरे साइड पर भी थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे भी फैला लेंगे। आप देख सकते हैं पराठा कितने अच्छे तरीके से फूलकर तैयार हो गया है। तो चलिए इसी तरीके से हम बाकी के पराठा को भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। सभी पराठा को बनाने के बाद मैंने इसे सर्व कर दिया है। प्लीज़ इसे एक बार मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।